जब मेरी शादी तुमसे होगी तुम्हारी जिंदगी मैं नरक बना दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। फोन उठाओ प्रीता अरोड़ा, फोन उठाओ यार। यार ये लड़की कितनी इरिटेटिंग है ना, एटीट्यूड दिखाती है मुझे। लड़कियां तड़पती हैं कि मैं उनको फोन करूं, करण लूथर ने फोन करे और वो फोन पिक करें, लेकिन ये पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है। इसे ठीक करूंगा मैं। फोन करिए। अभी तो फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एकदम से उठाऊंगा तो इसको लगेगा मैं डेस्परेट हूं इसकी कॉल रिसीव करने के लिए। थोड़ी देर बजने देता हूं फिर उठाऊंगा। इतनी जल्दी फोन काट दिया, वीडियो कॉल करता हूं। हाँ तो थी, इतनी जल्दी सो गया क्या? क्या पता सो ही गया। ये मुझे मेरी शक्ल क्यों दिखाई? वीडियो कॉल कर रहा है मुझे। मुझे वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी। वीडियो कॉल भी काट दिया टंबो। हाय बेबी डॉल, मेरी कॉल क्यों काटी? ओ हेलो, तुमने वीडियो कॉल कराई क्यों? और वैसे भी मैंने ना आज के दिन में तुम्हारी बहुत शक्ल देख ली, तो मुझे फिर से नहीं देखनी थी। सो रही थी तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ अभी। इसका मतलब तुम मेरे लिए अच्छा दिखना चाहती थी, राइट? ओ माय गॉड, तुम कभी सीधे तरीके से नहीं सोच सकते हो क्या? मैंने बस जनरली बोल दिया, सो रही थी तो ठीक नहीं दिख रही हूँ। हो सकती है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम खुद ही एक इतनी टेढ़ी मेढ़ी करेली टाइप हो ना, तुम्हारे लिए मेरी सोच कभी सीधी नहीं हो सकती, समझी? तो तुमने इसलिए फोन किया है क्या इतनी रात गए ये बकवास बातें करने के लिए? जी नहीं, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि नींद आ रही है तुम्हें या नहीं। लेकिन तुम्हारे सवाल ना इतने स्टूपिड होते हैं कि उतने स्टूपिड जवाब ढूंढना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी लेवल ऑफ स्टूपिडिटी कुछ और ही है ना। बेबी डॉल, मेरे सवाल ना स्टूपिड नहीं होंगे और मेरे सवालों का जवाब है तुम्हारे पास, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हम दोनों को नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, और मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। Do you understand? मैं तो इसी के बारे में सोच रही थी, इसका मतलब ये भी मेरे बारे में सोच रहा था। प्रीता, यार तुम फिर से चुप हो गई। यार ये कोई वीडियो कॉल नहीं है कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस पढ़ लूंगा, तुम क्या सोच रही हो? और ना ही मैं तुम्हारी साइलेंट भाषा समझता हूँ, इसलिए बोलो। तुम सो नहीं पा रही थी ना, टेल मी। नहीं सो रही थी मैं, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही थी किसके बारे में? आज के बारे में सोच रही थी, वो आज के फंक्शन के बारे में। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई झूठ बूट नहीं बोल रही। और अपने सवाल बंद करो, अब मेरी क्वेश्चन पूछने की बारी है। पता है कि मैं किस बारे में सोच रही हूँ, राइट? यही कह रहे हो ना तुम, और कह रहे हो कि हम दोनों एक ही बारे में सोच रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। पहले तुम बोलो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने सही हो। मैं सोच रहा था एक्चुअली, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। What? मैं सोच रहा था कि डम्बो, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री किसने दी? मैं ये सोच रहा था। क्या इस बारे में सोच रहे थे? ऑफ कोर्स, मैं यही सोच रहा था, तुम्हें क्या लगा? जब सरला आंटी ने पृथ्वी के बारे में तुम्हें बताया कि पृथ्वी ने फायरमैन को गाइड किया था अंदर आने के लिए, तुमने वो बात बिल्कुल सच मान ली ना, और तुम पृथ्वी को हीरो समझने लगी, राइट? तो तुम पृथ्वी के बारे में सोच रहे थे। अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया है ना कि तुम फिर से अपना वो पृथ्वी इज अ बैड बॉय वाला राग अलापना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। अरे तुम्हारे ड्राइवर से झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान हो गया। नाउ प्लीज क्विट इट, ओके? अच्छा ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उन सवालों के जवाब दो, सीधे सीधे, बीच में टोकोगी नहीं, ओके? बोलो।
एक बात बताओ, पृथ्वी ने कभी पहले कुमकुम भाग्य हॉल देखा है? अब ये कैसा सवाल है कर, आज सारा फंक्शन कुमकुम भाग्य हॉल में ही तो था, तो कैसे नहीं देखा होगा? वो वहीं था ना। डम्बो, मैंने कहा था ना बीच में मत टोकना, ओके? सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी कभी हॉल की किचन में गया? पृथ्वी हॉल की किचन में क्यों? पृथ्वी क्यों हॉल की किचन में जाएगा? वो रोका करने के लिए आया था, खाना बनाने के लिए नहीं आया था। नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या पता टहलते टहलते कभी किचन की तरफ चला गया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, वो किचन में नहीं गया। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पृथ्वी अगर पहली बार हॉल में गया था तो उसे कैसे पता कि हॉल की किचन और स्टोर रूम कहाँ है? इतनी डिटेलिंग कि उसे सब पता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। पूरे हॉल का लेआउट मास्टर प्लान उसके दिमाग में ऐसे चल गया कि फायरमैन को उसकी हेल्प लेनी पड़ी। व्हाई प्रीता, व्हाई? टेल मी द रीजन। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फायरमैन फायर सोर्स ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं। तब मैंने पृथ्वी की हेल्प लेनी पड़ी। मैं साफ साफ यही प्रूफ करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट पृथ्वी है ना, वो इतना परफेक्ट भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो झूठ है उसमें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पृथ्वी को हम सब के सामने हीरो बनना पड़ा? करण, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो ऐसा सब डिसीजन लेने में। और वैसे भी तुम भूल रहे हो, हमारा मिशन शर्लिन पर नजर रखना और उसका पर्दाफाश करना है, पृथ्वी पर नजर रखना और उसका कोई पर्दा नहीं हमें फाश करना है, समझे? नो प्रीता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पृथ्वी में कोई ना कोई तो बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। मैं ना सब समझ रही हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम ना पृथ्वी पे ध्यान हटाओ और शर्लिन पर फोकस करो, समझे? जाने ढूंढा मैंने तुझे कहां कहां, लेकिन तू तो छिप कर बैठी है यहां। वाह जानकी देवी वाह, इतना बेसब्र तो आज तक मैं अपनी शर्लिन बेबी से मिलने के लिए भी नहीं हुआ जितना बेसब्र आज हुआ तुझे ढूंढने के लिए। बहुत ही गलत बात है जानकी, मेरे रास्ते की रुकावट, मेरी जान के दुश्मन, क्या कुछ नहीं किया तुझे खत्म करने के लिए? इतनी बड़ी खतरनाक आग लगाई ताकि तू उसमें जल के राख हो जाए, पर नहीं, तू वहां से भी बच के निकल गई। तेरे लक को मानना पड़ेगा, पर अब बस, बहुत दौड़ा है तूने मुझे, आज होगा तेरा दी एंड, क्योंकि ये पृथ्वी यमराज खुद सामने से चल के आया तेरी जान लेने के लिए। बेवकूफ नौकरानी, बहुत शौक था तुझे जासूस बनने का, हाँ? अब क्या हुआ? बोल ना। चल एक काम करते हैं। तुझे पता है ना पृथ्वी को रिस्क लेना बहुत पसंद है, हाँ? क्योंकि रिस्क लेने में मुझे सबसे बड़ी किक मिलती है। तो एक काम करते हैं, तू जा और जाके सबको मेरी असलियत बता दे। जा, जा। बोल ना, जाके बोल। बोलती क्यों नहीं कुछ? बोल। से बोलेगी, मुर्दा इंसान थोड़ी ना कुछ बोल सकता है। नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया। अब ये पृथ्वी बस 2 सेकंड में तेरी ये गर्दन तेरे शरीर से मैं अलग कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम शोर नहीं मचाओगे, हाँ, शांति से मरोगे। Promise? So here I come. नहीं 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 नहीं। मैंने अपनी शर्लिन बेबी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे इस तरह से मारूंगा कि तेरी मौत एकदम नेचुरल लगे। अगर इस नाइफ से तेरी गर्दन काट दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने तेरा मर्डर किया, और फिर लोग शोर मचाएंगे कि नौकरानी को बेहोशी की हालत में किसी ने मार डाला। कैसे मारूं मैं तुझे कि तेरी मौत एकदम नेचुरल लगे? ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का फोन क्यों है? घबराने की बात नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि जानकी आंटी की लंग्स में अभी ऑक्सीजन कम है ना, तो उन्हें हम लेते आए तो पीठ पर ही लेते आए, करवट में नहीं। अच्छा, चल कपड़े बदल ले कम से कम।
अच्छा तो तेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो ठीक है तेरी मौत उसी वजह से होगी। मैं कुछ इस तरह से तुझे मारूंगा कि तू सांस ही नहीं ले पाएगी, तेरा दम घुटेगा और तू दम तोड़ देगी। हाँ अच्छा प्लान है ना। रीता दादी जल्दी बाहर आओ, जरा हॉल में आओ। रीता मुझे क्यों जगा रही है? जानकी आ रही हूँ आ रही हूँ। ओहो कहीं इसने भी मेरी तरह कोई देखा तो नहीं, चल के देखती हूँ। ये लोग कितना शोर क्यों मचा रहे हैं और ये प्रीता सबको बाहर क्यों बुला रही है? क्या हो गया बेटा, चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक है ना? जानकी घर आओ माँ। अरे दी ये देखो दरवाजा खुला हुआ है। किसने दरवाजा खोला? सृष्टि तूने दरवाजा खोला आके? मैंने नहीं खोला दी। माँ आपने खोला? नहीं पर ये दरवाजा खुला कैसे दादी? नहीं बेटा मैंने भी नहीं खोला। इसका मतलब आप में से किसी ने ये दरवाजा नहीं खोला रहा है। मुझे अच्छे से याद है जब पृथ्वी गया था सब लोग चले गए थे तो मैंने खुद अपने हाथों से इसे बंद किया है और अब मैं देख रही हूँ दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई चोर घर में घुस आया है। प्रीता थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसा लगा था कोई साया मैंने देखा। मैं आई भी थी बाहर देखने पर मुझे कोई दिखा ही नहीं, फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। सर चोर अंदर ही कहीं घूम रहा है, उसको पकड़ लेते हैं। आप सब जगह जाकर देखो, सृष्टि यहाँ देखो, बचने ना पाए। मैं इसमें बदमाश को पकड़ के रहेंगे। परिवार उल्लुओं का परिवार है, इनको चैन ही नहीं है। इतनी रात को सोने की बजाय शोर मचा रहे हैं। आज इसका काम किसी भी हाल में तमाम करना होगा। आज ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जानकी आंटी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है ये चोर है यहाँ इस कमरे में। जब मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था तब वो सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसके अंदर जान थी। अरे यार कहीं वो उठने की कोशिश ना करे। गॉड इन लोगों की वजह से कहीं मेरा प्लान चौपट ना हो जाए। यहाँ तो कोई नहीं, और ये तकिया क्यों नीचे गिरा हुआ है यार? अरे बाहर हॉल में भी कोई नहीं, इस कमरे में भी कोई नहीं है तो अब कहाँ ढूंढेंगे? अरे रसोई भी तो देख ली। हाँ दादू सारे कमरे चेक कर लिए, कोई कहीं नहीं मिल रहा है। या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ऐसी जगह छुपा हो जहाँ से वो हमें नजर ना आ सके। लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? नहीं माँ बड़ा शातिर चोर है, कहीं ना कहीं जरूर छुपा होगा। एक बार फिर से देखते हैं, मैं कह रही हूँ कोई ना कोई तो जरूर है यहाँ। अरे पर सारा घर तो पहले ही देख लिया।
चलो चल के सो लेते हैं। अच्छा नहीं मॉम, एक बार बाहर देखते हैं। आइए ना दादी। चल ओए ये देखो पर्दा हिल रहा है। डंडा रख दे। माँ मेरी बात मानो, मैं कह रही हूँ तू डंडा रख दे। अब दी मुझे नहीं लगता कि किसी ने दरवाजा खोला होगा। आपको अच्छी तरह से याद है कि आपने दरवाजा बंद किया था? क्या बात कर रही है, कितनी बार कहूँ, मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया। I'm 100% sure। डॉक्टर ने कहा था कि जानकी को सुबह तक होश आ जाएगा। अब ये लोग ऐसे ही यहाँ पर चोर पुलिस खेलते रहेंगे तो जानकी इनकी आंखों के सामने उठकर मेरी पोल खोल देगी। यार ये सब जाके सो क्यों नहीं जाती, ये स्टूपिड फैमिली। एक मिनट, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी चोर का लॉक दरवाजे से अंदर आना इम्पॉसिबल है। और मम्मा मैंने लॉक चेक किया है, वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। इनफैक्ट वहाँ तो एक खरोच तक नहीं है। जी प्लीज आप ध्यान से याद कीजिए कि आपने दरवाजा बंद किया था या नहीं। शायद आप थक गई होंगी तो आप भूल गई होंगी दरवाजा बंद करना। पता नहीं, पर अगर कोई घर के अंदर आ भी गया होगा तो अब तक तो वो भाग गया होगा ना। I'm sure उसने हमारी आवाज़ें सुनी होगी। सच कह रही, वो यहाँ पर अब नहीं होगा। सृष्टि ने ना पहली बार अकलबंदी की बात की है। अगर कोई होता भी ना तो अब तक चला गया होगा वो। अब हम लोग चल के आराम कर लेते हैं, सुबह होने ही वाली है बेटा। यस यस यस, गो जल्दी जाओ, मैंने जो काम शुरू किया है उसे जल्दी खत्म करना है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ, मैं बस थोड़ी देर जान के आंटी के पास बैठी हूँ। जल्दी आ जाना, चलिए बीजे। चलो अच्छा सृष्टि, समीर उठो ना। समीर प्लीज मुझसे शादी कर लो, ये दुनिया ना हमें एक नहीं होने देगी। एक काम करते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? अरे मैंने तो भी प्लीज भी बोला, चलो ना। बोला ना नहीं। अरे चलो ना समीर। अरे बोला ना नहीं। चलो नहीं। मैं सुबह सुबह जाके राखी चाची को बता दूंगा कि मेरे और सृष्टि के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इस डर के मारे मुझे रोज बुरे बुरे सपने आते हैं। नहीं समीर, तू ऐसा मत होने दे। नहीं नहीं नहीं, मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा। अंधेरे में ना ज्यादा डरावने सपने आते हैं। सृष्टि मेरे सपने में दोबारा ना आ जाए। भगवान जी इतनी से दया कर दो मुझ पे, बच्चे की जान लोगे क्या? देखो मैं अच्छे बच्चे की तरह टाइम पे सो रहा हूँ। आप प्लीज मुझे दोबारा ये डरावने सपने मत दिखाना। हाँ आप कहो ना, मैं आपको कल 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ जी, लेकिन ये सपने दोबारा मत दिखाना प्लीज, और खासकर सृष्टि के। फिर से ट्राई कर लूं क्या? लेकिन ये प्रीता जाग गई तो इन हालात में तो लगता है जानकी को नाइफ से मारना ही बेटर रहेगा। 2 सेकंड में मर जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जानकी कुछ आवाज करे और प्रीता उठ जाए और मेरा चेहरा ही देख ले। यार करूं तो क्या करूं, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना।
जानकी को मारने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। यस, मिल गया तोड़। अब इसमें मैं खुद को छुपा लूंगा और कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। और अगर जानकी ने शोर मचाया तो प्रीता जानकी की तरफ दौड़ेगी, उस पर ध्यान देगी, और तब तक मैं खिड़की से निकल जाऊंगा। यस यस यस, परफेक्ट प्लान है।